हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, आपका सेल्फ रिपेयर गुरुजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप अपने बजाज पल्सर का जो स्विंग आर्म बुश है, वहां पे आप जो देख रहे हैं स्विंग आर्म जो अटैच्ड है फ्रेम से, वहां पे एक बुश रहता है, और वो बुश अगर कट जाता है तो ये देखिए, इसमें बहुत ही ज़्यादा आपको प्ले देखने को मिलता है। और हुआ क्या कि आप कितना भी अच्छा टायर लगा ले, आप कितना भी व्हील का बेयरिंग चेक कर ले, न्यू स्प्रॉकेट रहे, फिर भी आप अनबैलेंस फील कीजिएगा। लगेगा कि मतलब आपके कंट्रोल में जो मोटरसाइकिल है वो नहीं है। तो जब भी आप अगर चेन स्प्रॉकेट का काम करते हैं तो ये सब जो व्हील है वो ऑलरेडी ओपन करना ही पड़ता है आपको। तो ये सही टाइम होता है कि आप एक बार चेक करें। तो यहाँ पर देखिए, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा इसमें प्ले दिख रहा है। और पल्सर में जो बुश रहता है स्विंग आर्म बुश, वो आपका प्लास्टिक का रहता है, तो बहुत ही जल्दी जल्दी कटता है, और इसमें मुझे बहुत ही ज़्यादा प्ले दिख रहा है। तो इससे हम लोग ओपन करेंगे और इसको रिप्लेस करेंगे। और यहाँ तक अगर आपने ओपन कर लिया, अगर चेन स्प्रॉकेट रिप्लेस करना है तो यहाँ तक तो आप ओपन करेंगे, तो उसके बाद काम बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। सिंपली ये सस्पेंशन दोनों साइड का हटाना है, और जो सेंटर है स्विंग आर्म का एक्सल उसको हटाना है, ये आपका स्विंग आर्म बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 22 mm का एक नट है एक्सल वाला, इसे हम लोग ओपन करेंगे। ये देखिए, ये ऑलरेडी थोड़ा लूज था, तो इसको हम लोग लूज कर लेंगे। ये देखिए, ये आपका बाहर आ गया, और यहाँ पे वाशर नहीं है इसमें। अब पता नहीं कंपनी ने नहीं दिया कि यार मिसिंग है ये, तो यही प्रॉब्लम हो जाते हैं। अब यहाँ पे ये जो एक्सल है, इसे हम लोगों को पीछे धकेल देना है। ये देखिए, मैं इसे पीछे धकेल रहा हूँ, ये देखिए, अभी ऐसे ही रहने देते हैं, ये तो बहुत ईजिली निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक 13 mm का बोल्ट है, इसे हम लोग लूज़ कर लेंगे। अभी ये बोल्ट को अगर हम लोग लूज़ नहीं करते तो फिर भी काम चलता, बट आपको लूज़ कर लेना है ये, क्योंकि थोड़ा काम इजी हो जाता है। ये देखिए, इसको अगर आप लूज़ करेंगे तो ये साइड ब्रैकेट जो है ये आपका लूज़ हो जाता है थोड़ा। तो यहाँ पर जो स्विंग आर्म है, इसको इंसर्ट करना है, इसको बाहर निकालना, ये आपका इजी हो जाता है। पूरा आपको बाहर इसको नहीं निकालना है, जस्ट इतना करना है कि ये आपका लूज़ हो जाए। तो स्विंग आर्म इंसर्ट करने में इजी होता है। उसके बाद ये जो स्विंग आर्म में सस्पेंशन अटैच्ड है, उसे हम लोग हटा देंगे। और यहाँ पे 12 mm का यूज़ कर रहा हूँ मैं। ये देखिए, दोनों को आपको ओपन कर लेना है, बहुत ही प्यार से ये बाहर आ जाएगा। ये देखिए, और इसमें एक वाशर रहता है, तो इसका आपको ध्यान देना है। ये देखिए, ये वाला सस्पेंशन आपका डिटैच हो गया है। ये देखिए, जैसे ही दोनों सस्पेंशन आपका बाहर निकला, ये आपका स्विंग आर्म नीचे आ गया। और यहाँ पे देखिए, इससे ही हमने बाहर निकाला था, तो ये देखिए, इसको आपको प्यार से बाहर निकाल लेना है। इस तरह से आपका ये आ गया है। अब देखिए, यहाँ पे ये हमने रॉड इंसर्ट किया हुआ था, तो ये देखिए, ये स्विंग आर्म कम्प्लीटली लूज़ हो गया है। ये रॉड जैसे ही हम बाहर निकालेंगे, ये कम्प्लीट जो स्विंग आर्म है ये आपका बाहर आ जाएगा। ये देखिए, बहुत ही प्यार से ये आपका बाहर आ जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे ये जो ब्रेक स्विच है इसमें अटक रहा था, और ये देखिए, ये आपका बहुत ही प्यार से कंप्लीट स्विंग आर्म आपका बाहर आ गया है। तो यहाँ पे ये स्विंग आर्म है, और इस स्विंग आर्म में ये इस तरह का वायल सील रहता है, और ये जल्दी मिलता नहीं है, तो ट्राई करूँगा कि शायद ये मिल जाए, नहीं तो फिर यही ओल्ड यूज़ करना पड़ता है।
और मैं कंपनी को यही कहूँगा कि जब भी कोई किट बनता है, लाइक इसका बुश का किट में आपको ये तो मिल जाता है, बट अंदर का जो रिक्वायर्ड होता है वो आपको मिलता ही नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम होता है दोस्तों। ये देखिए, ये आपका बुश सब बाहर निकल रहा है, इस तरह से रहता है, तो ये सारा वियर कर जाता है, इसको आपको बाहर निकाल लेना है, ठीक है। उसके बाद दूसरे साइड का प्यार से बाहर आई थिंक आ जाना चाहिए, ये भी आ गया है, ठीक है, ये भी आपका बाहर आ गया है। ये देखिए जितना बुश है, कभी कभी ये इजीली बाहर नहीं आता है, ये तो बहुत ज़्यादा वियर कर गया इसलिए बाहर आया है। तो ये देखिए यहाँ पे इसको आपको हिट करना है, ये देखिए इसको अगर आप हिट करेंगे, आपको शायद दिख रहा होगा, ये देखिए इसको आप जैसे हिट करेंगे ये आपका बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। ये जितना भी ओल्ड बुश था ये आपका बाहर आ गया, और पल्सर में ये आपका प्लास्टिक का आता है, ये देखिए, और होंडा का जो मोटरसाइकिल्स रहता है उसमें ये बियरिंग रहता है, यहाँ पे निडल बियरिंग, बट यहाँ पे थोड़ा सा चीप क्वालिटी का यूज़ किया गया है। और इसको अच्छे से क्लीन कर लेना है आपको, उसके बाद हम लोग न्यू इसमें बुश लगाएंगे। तो यहाँ पे ये स्विंग आर्म का बुश है और कॉस्ट आप देख सकते हैं 55 रुपीज़ है, और यहाँ पे एक पीस एक्स्ट्रा दिया रहता है, ये देखिए यहाँ पे सेफ्टी के लिए, कि कहीं अगर एक में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो यहाँ पे यूज होता है 4, बट दिया रहता है 5, 1, 2, 3, 4, 5, और ये प्लास्टिक का रहता है, तो सिंपली आपको यहाँ पे से प्रेस कर देना है, और ये सिमेट्रिकल होता है, एक ही साइज़ का होता है। तो ये देखिए इसको आपको बहुत ही प्यार से, और अगर ज़्यादा ज़ोर से आप मारेंगे तो ये टूट सकता है, और टूटता भी है, इसीलिए कंपनी एक पीस एक्स्ट्रा देती है। ये देखिए, ये पूरा अंदर तक बैठना चाहिए, ये देखिए बैठ गया, ठीक है। उसी तरह दूसरे साइड भी आपको इसको प्रेस कर देना है, ये देखिए ये अच्छे से आ गया अपने जगह पे, और पूरा अंदर तक ही आना चाहिए, अगर अंदर तक नहीं आएगा तो फिर इसको आपको इंसर्ट करने में प्रॉब्लम होगा। ये देखिए तो ये आ गया, सेट हो गया है। अब यहाँ पे अंदर में पूरा आपको ग्रीस फीड कर देना है, ये देखिए जनरल पर्पस ग्रीस आपको पूरा अच्छा से इसमें फीड कर देना है, ये देखिए मैंने फीड कर दिया है इसमें, पूरा अंदर तक ये होना चाहिए, और ये देखिए, और यहाँ पे ये जो ग्रीस वाला निपल होता है वो भी होता है, बट लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं कभी, क्योंकि वो ऐसे जगह पे होता है कि वहाँ तक मेंटेनेंस लोग कर ही नहीं पाते हैं, और यहाँ पे अगर ये ड्राई हो जाता है तो ये डैमेज हो जाता है। अब यहाँ पे ये देखिए, ये जो इसका कॉलर है स्विंग आर्म वाला, ये है, ये देखिए इसका भी प्राइस आप देख सकते हैं, और दो पीस है, और ये जो कॉलर है आपका, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये देखिए कॉलर आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये देखिए, ये देखिए, और ये अभी देखिएगा इसमें कोई भी प्ले नहीं रहेगा, ये पूरा अच्छा से अभी टाइट है, ठीक है, और ये कॉलर अभी परफेक्ट है, ये देखिए, और हल्का जो मूवमेंट होता है वो इसमें होता है, तो ये देखिए ये बहुत ही अच्छे से फिट हो गया है, परफेक्ट। और एग्जैक्टली यही चीज़ दूसरे साइड भी करना है, और यहाँ पे ये जो ओल्ड वाला ऑयल सील है ये मैं नहीं लगा रहा हूँ, मैं एक बार सर्च करके देखूँगा मार्केट में, अगर अवेलेबल रहा तो मैं न्यू लगाऊँगा, और अगर नहीं रहा तो इसे ही मुझे क्लीन करके लगाना पड़ेगा। और कंपनी को मैं यही कहता हूँ कि जब भी कोई किट बनाती है तो कंप्लीट किट होना चाहिए। अब यहाँ पे 54 रुपीज़ पड़ रहा है, अगर 100 रुपीज़ भी ले लेती कंपनी, 150 भी ले लेती,
लेकिन सारा चीज़ एक जगह रहता तो आदमी को दौड़ना नहीं पड़ता, बार बार मार्केट जा कर के ये वो नहीं खोजना पड़ता। तो ये एक चीज़ होती है जो कि कंपनी की मिस्टेक होती है, मतलब वो चाहती है कि भाई सस्ता चीज़ दे, बस एक पार्ट दे दिया और मतलब हो गया। तो यहाँ पे मैंने बूस्ट तो लगा दिया है, बट यहाँ पे अगर ये देखेंगे तो ये अभी डैमेज है, बट अगर इसका स्ट्रक्चर आप ओवरऑल देखेंगे तो वो कमज़ोर नहीं हुआ है और यहाँ पे अभी ये काम चल सकता है, बट अगर ये ऐसे ही रहा तो ये और ज़्यादा रस्टेड हो जाएगा और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली सिलिकॉन सीलेंट भर रहा हूँ, ये देखिए सिंपली इसी से मैं अभी काम चला रहा हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पे जो फर्दर रस्टिंग रहेगा वो नहीं होगा। तो सिंपली इसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमने इसमें सिलिकॉन सीलेंट लगा दिया है ताकि इसमें कोई भी फर्दर रस्टिंग ना हो, ये ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं ओल्ड ऑयल सील ही यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे साइड में आपको ग्रीस लगा लेना है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे ग्रीस लग जाएगा, ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो इसका एक्सल है उस पे ये रोटेट नहीं करता है, यहाँ पे ये जो बुश हमने लगाया है उस पे ये कंप्लीट सिस्टम थोड़ा सा जो सस्पेंशन का जितना मूवमेंट होता है वो रोटेट करता है। तो ये आपको कोई बोले कि एक्सल को लुब्रिकेट करना है तो ये गलत बात है, इसमें एक्सल का लुब्रिकेशन नहीं होता है। यहाँ पे अगर आप लुब्रिकेट करते हैं इसको तो ये इसके अंदर ग्रीस को भरता है और उसे लुब्रिकेटेड रखता है, और नहीं करेंगे तो ये कट जाता है और फिर आपको यहाँ पे इसको बाहर निकाल के लुब्रिकेट करना पड़ता है इस तरह से बुश को चेंज करके। तो चलिए ये तो हो गया है फिट बहुत अच्छे से, अब इसे हम लोग इंस्टॉल करते हैं वापस। तो उस साइड का जो ब्रैकेट था उसे हमने ऑलरेडी लूज़ कर लिया था तो बाहर निकालना इजी हो गया था, बट अभी लगाने में इस को भी हम लोग थोड़ा सा ब्रैकेट को लूज़ कर लेंगे तो इंसर्ट करना इजी हो जाएगा। ये देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जैसे जैसे मैं लूज़ कर रहा हूँ तो ये आपका बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है तो इंसर्ट करना इजी हो जाएगा। और यहाँ पे ये जुगाड़ लगा हुआ है, ये ओरिजिनल नहीं है, यहाँ पे 13 mm का हेक्सागोनल बोल्ट होता है। तो ये देखिए जस्ट मैंने हल्का सा लूज़ कर दिया है तो एक्स्ट्रा स्पेस बन गया, तो ये जो स्विंग आर्म है इसे इंसर्ट करना इजी हो जाएगा। तो अब इसे इंसर्ट करेंगे प्यार से, तो ये देखिए थोड़ा सा इरिटेट करेगा आपको, ये देखिए अपने जगह पे आ गया ये। अब इसको आपको हल्का सा होल्ड करके दूसरे साइड से एक्सल को इंसर्ट करना है, नहीं तो ये इसी तरह से आपको इरिटेट करता रहेगा। आपको एक्सल को बहुत ही केयरफुली इंसर्ट करना है, ये देखिए यहाँ पे आपको एक्सल को अलाइंड रखना है और इसको होल्ड करने के लिए यहाँ पे मैं स्क्रू ड्राइवर का यूज़ कर रहा हूँ, ये देखिए सही है, ये अलाइंड है, ये सेंटर इसका अलाइंड होना चाहिए तभी जाके एक्सल पूरा अंदर तक घुसेगा। ये देखिए यहाँ पे जो एक्सल है ये आपका बाहर आ गया है, ये देखिए बहुत ही प्यार से। और यहाँ पे आई थिंक कि एक वाशर होना चाहिए या फ्लैंक बोल्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे जनरल बोल्ट लगाया है, मैं यहाँ पे एक फ्लैंक बोल्ट का यूज़ कर रहा हूँ, ये ज़्यादा बेटर रहेगा इसके लिए, ये देखिए। और नंबर दोनों का सेम है 22 mm, तो ये देखिए मैं इसको अच्छे से टाइट कर दूँगा, यहाँ पे ये टाइट हो जाएगा, यहाँ पे 13 mm का जो नीचे वाला बोल्ट है वो टाइट हो जाएगा और उधर भी जो जुगाड़ वाला बोल्ट है। और यही बहुत बुरा लगता है, कोई भी मैकेनिक अगर ओपन करता है तो इसमें जुगाड़ लगाते चला जाता है, ये ठीक नहीं लगता है मुझे।
और दूसरे साइड आपको एक्सल को होल्ड करके रखना है क्योंकि एक्सल उस साइड से रोटेट करेगा। तो ये देखिए, इसको आपको पूरा टाइट कर लेना है। उसके बाद ये ब्रैकेट का 13 mm का बोल्ट, इसे भी आपको टाइट कर लेना है। और उधर जो जुगाड़ वाला है उसको भी आपको टाइट कर लेना है। वहाँ भी 13 mm का बोल्ट होना चाहिए था बट वहाँ पे मिसिंग है, तो दोनों को आपको अच्छे से टाइट कर लेना है ब्रैकेट को। और फाइनली यहाँ पे इसका जो दोनों सस्पेंशन है वो हम लोग अटैच कर देंगे। इसका जो दोनों बोल्ट है उसको माउंट कर देंगे। और ये एक सही टाइम था, अगर सस्पेंशन आपका डैमेज है, ओल्ड है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। बट अभी ये जो सस्पेंशन है ये चलने लायक है। तो जब भी आप चेन किट रिप्लेस करें तो ये सारा चीज़ आप लोगों को देख लेना है, क्योंकि ये सही टाइम होता है स्विंग आर्म का प्ले ये सब चेक करने का, क्योंकि बाद में फिर ये पॉसिबल नहीं होगा, आपको फिर से सब कुछ ओपन करना पड़ेगा। तो दोस्तों सब कुछ फिट हो गया है। और अब देखिए ये जो स्विंग आर्म है इसमें हमने न्यू बुश लगाया है, तो कोई भी प्ले आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब ये बहुत ही स्मूथली ट्रैवल करेगा। और कभी कभी क्या होता है कि पल्सर में तो ये प्रॉब्लम नहीं आता है, बट जिसमें बियरिंग रहता है तो वो बियरिंग कट जाता है। यहाँ पर तो बुश है वो भी प्लास्टिक का, तो उसमें आवाज़ जनरली नहीं आता है, बट जो बियरिंग वाला रहता है उसमें से ची ची का आवाज़ आता है। जब भी कोई गड्ढा में जाएगा, जब भी कोई ये ट्रैवल करेगा सस्पेंशन, तो उसमें आवाज़ आएगा। तो यही जो स्विंग आर्म का बुश होता है या बियरिंग जो होता है वो कट जाता है। और यहाँ पे देखिए, पहले आपने देखा था तो पूरा प्ले था, और कभी भी उसमें आपको कॉन्फिडेंस फील नहीं होगा राइड करने में, हमेशा आपको अनबैलेंस फील होगा, आपको लगा कि क्या है, कुछ घट रहा है, कुछ अजीब टाइप का आपको फील होगा। बट यहाँ पर देखिए ये सही है और परफेक्ट हो गया है। और एक काम और इसमें था, यहाँ पे इसका जो मेन स्टैंड है वो हम लोग नेक्स्ट टाइम रिप्लेस करेंगे। ये देखिए मेन स्टैंड इसका बेंड हो गया है, ओल्ड है तो बेंड हो जाता है, ये सब चलता रहता है मोटरसाइकिल में। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो स्विंग आर्म का बुश है उसको आपको टाइम टू टाइम लुब्रिकेट करते रहना चाहिए। यहाँ पर पॉइंट दिया गया है पल्सर में, अभी लेटेस्ट वाला जो पल्सर है उसमें शायद नहीं आ रहा है, मैंने एक दो देखा है उसमें नहीं था, बट इसमें ओल्ड पल्सर अगर आपके पास है तो इसमें पॉइंट दिया हुआ है ग्रीस वाला निप्पल, उससे आप लुब्रिकेट कर सकते हैं। अगर सर्विस सेंटर में जाइए तो उसको रिक्वेस्ट कीजिए, वो लोग लुब्रिकेट कर देंगे। और एक आता है उसका ग्रीस गन, वो आपके पास है तो खुद से भी आप लुब्रिकेट कर सकते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो अब ये परफेक्ट हो गया है। और दोस्तों मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो बहुत ही लंबा रहता है बट डिटेल रहता है। अगर आप खुद से कोई चीज़ करना चाहते हैं तो मैं स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ आपको बता देता हूँ, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगा, कौन सा नट है, कौन सा बोल्ट है, कितना mm का है, सारा कुछ मैं कवर करता हूँ, ताकि जब भी आप खुद से रिपेयर करें। अगर आप इंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं तो आपको बोरिंग ही लगेगा, बट अगर आप खुद से अपने मोटरसाइकिल पर काम करना चाहते हैं या स्कूटर पर काम करना चाहते हैं तो जितने भी मेरे वीडियोज़ हैं बहुत ही हेल्पफुल आपको होंगे। तो अगर आप खुद से रिपेयर करना चाहते हैं अपने व्हीकल को, आप अपने व्हीकल से प्यार करते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पे ये जो होल था इसे भी मैंने सिलिकॉन सीलेंट से फिल कर दिया, अब ये परफेक्ट हो गया है।